नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रविवार 1 अक्टूबर को पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। जानकारी के अनुसार बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में राजस्थान के लिए करीब 54 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई है। वहीं राजस्थान की करीब 6 विधानसभा सीटों पर सांसदों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर और राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की पहली सूची पर मोहर लग गई है। राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए पार्टी आलाकमान द्वारा बनाए गए राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष CP जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, कैलाश चौधरी, राजेंद्र सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप में शामिल अन्य नेताओं की भी पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में अवश्य लिखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में दबा दे बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।